Look at this gold. इसको बताइए भाई, इसका क्या है? तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी बेडशीट पे प्रेस करते हुए, क्योंकि मैंने न्यू बेडशीट बिछाई थी और अगर उस पर प्रेस कर दो ना तो वो बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो मैं ये इसलिए शूट करी थी कि मुझे ये प्रेस दिखानी थी। ये प्रेस मैंने दुबई से ही ख़रीदी थी जब मैं यहाँ पर आई थी। और इसमें क्या है कि जो स्प्रे करते हैं आप, वाटर जो इसमें डाला जाता है, वो इसमें सिस्टम तो है ही है, लेकिन साथ में इसमें सिस्टम है स्टीम का। तो अगर आप इसमें पानी डालते हैं तो अगर आपको स्प्रे करना है वाटर अपने कपड़ों पे, वो तो है ही ऑप्शन, लेकिन साथ में स्टीम का ऑप्शन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें से स्टीम निकल रही है, तो इतनी अच्छी प्रेस हो जाती है, कपड़े अपने बिल्कुल लगता है कि लाइक बाहर से मैंने प्रेस कराए हुए हैं। तो इसीलिए मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को कि काफ़ी अच्छी प्रेस है। अगर आप लोग लेने का सोच रहे हैं तो ये स्टीम वाली प्रेस लीजिएगा। उसके बाद इधर जिदान जो है नहा रहे हैं, इन्होंने कहा कि मुझे आज टब में नहाना है, तो ये अपना इंजॉय कर रहे हैं। उधर जिदान अपना टब में एंजॉय कर रहे हैं, तब तक मैंने सोचा कि मैं इनके कपड़े निकाल लूं। तो मैंने इनके लिए जीन्स और ये वाली टी शर्ट निकाल ली। इनको ये वाली टी शर्ट इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बैक में ना जिदान का जो नेम है वो लिखा हुआ है, ZIDAN। तो इसलिए इनको ये वाले जो है टी शर्ट, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज इन्होंने मुझे बोला कि मम्मा मुझे यही वाली पहननी। मैंने कहा ठीक है चले, जब तक आप नहाएं और इधर मैं प्रेस कर दूं आपके कपड़ों पे। तो मेरे जिदान हो गए हैं रेडी। और ये क्या कह रहे हैं आप? स्पाइडरमैन के हल्क? स्पाइडरमैन है आप? आप तो हल्क बोल रहे थे, मैं हल्क हूँ मामा की तरह। चले बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, चूजा हो रहे, खाना वाना खाना नहीं होता है। स्पाइडरमैन और हल्क बनेंगे आप? पागल है। पागल हूँ मैं? ठीक है, पागलपन निकालती हूँ आपका। मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं। चले अब नीचे आ जाए। गाइस, मैंने ये कैबिनेट बनवाई थी ट्रॉली रखने के लिए, क्योंकि ट्रॉली मुझे सामने रखना या फिर जो लोग ना अलमारी के ऊपर रख देते हैं तो मुझे बड़ा खराब लगता है। तो उसके लिए मैंने ये व्हाइट कलर की कैबिनेट बनवाई थी कि इसी के अंदर मेरी दोनों ट्रॉलीज आ जाएं। लेकिन व्हाइट कलर जब ये बन करके आया ना तो बड़ा डिमसा लग रहा था। तो अब भाई क्या करें, तो फहद ने मुझे आइडिया दिया, ये जो रोल होता है ना इसको बस आपको स्टिक करना होता है कट करके। तो हमने सोचा कि ये हम इसके डोर्स पे लगा देंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो आज मुझे फहद मिल गया क्योंकि आज इनकी थी छुट्टी। मैंने कहा यही मौका है, मैं इनसे ये वाला काम करा लूँ, है ना फहद? जिदान यू कम। जिदान बड़ा कर पाएंगे। ये यहाँ फिंगर रखिए। जिदान अगर सही नहीं कर रहा तो डांट खाएंगे आप। इंटेलिजेंट, वेट, लिमिट लिमिट छोड़ो। अब रखिए आप, अब रखिए, वेट। अरे मेरे इंटेलिजेंट लड़के, अब रखो बस, नाउ डोंट लीव इट, ओके? जिदान अगर ये गया तो तुम्हारी आ जाएगी मौत। मौत। वेट तो ये तो हुआ। छोड़ दो। हो गया ना, अभी नहीं हुआ है ना। टाइट करते सारे दिन, तुम टाइट करते ये देखते हैं। पटक के करना है वरना तो है नहीं, पटक के करना है वहाँ पे।
पटक के नहीं, ये पटक होल्ड करके सदान होल्ड नहीं होल्ड कुछ नहीं समझ में आता है ना, मुझे लग रहा है मेरे सदान बड़े हो गए। हिलाइए छुइए और हिलाइएगा बिल्कुल नहीं, दर्द शुरू हो गया बस ये वाला रह गया है बस दांत बंद बताए दांत लास्ट यस लास्ट एंड वन दांत बंद बताए वो दांत दादा बाबू तो टाइटन टू होने वाला है, ओपन करना बहुत टफ होता है। हां मैं भी पता देता हूं दांत पर तू यहां दे पता देता हूं मम्मा तो दादा बाबू से दे दिक्कत हो रही है। हम अभी तेरे जो दे दिक्कत हो रही है ऐसे बाबू रहते दो दादी रहते दादी आई दादी आते दूम दादी ये भैया मेरे बोल क्या रहे हो तीन बार दूम दादी दादी हां यार ऐसे बताया हुआ है बहुत है सुबह। अरे यार यहां से नहीं स्टार्ट करना है शिट। हेलो मेरे मैं दीदान हो जो भी जब पाए ये माय ना हटिया वटी बेटा मुझे करने दी मैं तभी दीदान दान कर तो रहे हैं बाहर वीडियो रात कर इंडी मैं ऊपर अरे इसको इसके लेवल से इधर से पकड़ के तुम मिला लो ना किधर से पकड़ना जरा इधर आइए इस साइड से इसके लेवल पे रखो नहीं 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 मैं ऊपर होने जाऊंगा नीचे आगे ओ इस किस लेवल पे ये यही देवा थोड़ा आगे आने तो पहले यही देवा पे है यस गुड सुदान को पता है ये है उसके लेवल पे यही देवा छोड़ दो अब कस कर अच्छा आपने ठीक है ये है मेरी अम्मा और ये है मेरी अब्बा टॉप पे बस टॉप पे नहीं नहीं टॉप पे ऐसे मैं इस पे सामान आपको बता धीमे धीमे करके भरूंगा टॉप पे रख दिए टॉप पे आता ही रखते था नहीं बेटा नहीं टॉप पे यार ये इंटीरियर डिजाइनर के बच्चे परफेक्ट यू दे तो बाय करने दो और नहीं तो बाय करने दो और नहीं यू दे तो बाय करने दो और नहीं क्या कह रहा है ये लोग मुझे सफाई करने को बोल रहे नहीं नहीं चली हुई है चली इधर आइए वॉशरूम में चली है वॉशरूम में नहीं यही यही सबके साथ सबके सामने नो डोंट टच दैट रिदान नो रिदान ये करेंगे तो 100% अभी चिड़िया उड़ा दूं बस डन डन और रिलैक्स प्लीज डन डन हट चाहिए बेटा ऊपर बैठी होती है बंद हो जाती है हमारे दम इट्स गुड हमारे दम तो बाय 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 कुदा हैप्पीज। काफी अच्छी हमारी ये कैबिनेट हो गई है इस पे मैं ऊपर कुछ ना कुछ डेकोर कर दूंगी 500 दिरहम फॉर दिस कैबिनेट एंड लैमिनेशन दे चुकी हूँ मैं कब दिया दे चुकी हूँ अभी याद दिलाती हूँ आपको रुके बताएं काफी अच्छी लग रही है बात अभी हाँ यार बहुत अच्छा लग रही है बहुत बहुत नहीं
1, 2, 3, 4 ऐसा लग रहा है जैसे दान कर रहे हैं, आवाज ही नहीं निकल रही। हिलो नहीं बेटा, जिदान की बारी, जिदान को नहीं, जिदान को नहीं। आप तो करते हैं काम, करिए। हाँ नीचे जाइए और नीचे जाइए, आगे से करिए, नीचे जाइए, ये फोल्ड करिए और करिए बेटा, इसको ऊपर करो, इसको रोको, इसको नीचे ले जाओ और नीचे ले जाओ और नीचे और नीचे और नीचे, तो यस, 1 good 3 4 5 6 7 आगे देखो, 8 जाओ जाओ नीचे जाओ, 9 बात बात उसके पेन हो जाएगा, ये जिदान का शौक पूरा, मजा आया बेटा। फिर गाइस शाम हो गई थी तो हमने सोचा कि भाई आज फाद भी घर पे ही हैं और हम लोग फ्री हैं, कुछ ऐसा घर पे काम भी नहीं है, तो चलते हैं गोल्ड सूक। शारजा में काफ़ी बड़ा गोल्ड सूक है जहाँ पर बहुत बढ़िया प्राइसेस में सामान मिलता है, गोल्ड डायमंड सब कुछ मिलता है, और उसी के ही फ्रंट साइड पे आपको अबायास हो गए या फिर कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो हम वहाँ पे गए भी नहीं थे तो हमने कहा कि चलो भाई वहाँ पे चलते हैं और देख भी लेंगे और अगर कुछ पसंद आ जाता है तो ख़रीद भी लेंगे, क्योंकि मुझे डेली वेयर करने के लिए चेन में और एयररिंग्स में कुछ चाहिए था, तो इसीलिए वहाँ पर जा रहे हैं और देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी कि मेरा तो देख करके ना होश उड़ गए थे बिल्कुल। Yeah, I saw 3 digits. 3 digits. Usually you will see 5 digits numbers and they can be anything. Exactly. Like it is 49497, right. This is 4283. This is not a unique number, right? Yeah. But he has bought a special 708. Exactly. Right. This is zero. Dubai zero. Dubai one is even more costly. It's written Dubai zero. Uh-huh. Dubai zero is costly number. In if it's one, Dubai one, it's more costly. 708 triple digit number you haven't seen, you will not see any car with 3 digit number. These are special numbers which are like auctioned, and then this number might be half the cost of the car. Yes, you know there's a number in recent auction, it was sold at around $30-40 billion. Yeah, I remember reading about it. Just more expensive than the guy sitting on. Yes, but it's an investment basically. People buy that number because when they sell their car, suppose they'll sell that number also. They'll not give it for free. Okay. Yeah, but might be these Arabs, they can throw it in trash also. I have seen a Bentley, you know, in this industrial area, trash, black and white Bentley. Come on. Yes. As you'll go straight, we have taken a left turn, right? We go straight. On left hand, there's a junkyard. It has all the Mercedes, BMWs, Jaguars, trash. Right? And then there is on the left hand side, there is this Bentley standing, black and white Bentley. What a waste. And Bentleys are hard cars. They are meant to last. We can just imagine. I once was watching a documentary of the way they are making the Bentleys. They said the engine can run for 200 years without stopping. Yes, that is the plus point. That is why they are so costly. The more rich you are, the more problems. The more unique kinds of problems, maybe health-wise also, you will have unique kinds of problems. They don't stop coming. Yes, problems they won't stop coming. The bigger coming. The pocket, the heavier is the problem. They just keep coming. We are, what we say, we are middle class people, right? Mm-hmm. We have problems. We have problems of, suppose, of rent, of studies, of going around, right? Enjoying. Mm. These rich people, they don't have this problem. They have problems
which are much, much, much bigger. More complex. Yeah, more complex. They'll have some medical issues which are not common. Which are not common, yeah. They and for that, they have to go to America or... A specialist, one specialist in the world who can, who's yes. helping them with the condition. Yes. Not even curing so it. So God is very, them. Very, what you say, equal with everyone. Mm. This is the fact of life. Mm. फिर गाइस हम पहुंच गए थे गोल्ड सुक और सामने आप ये जितना भी बना हुआ देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं वो गोल्ड्स की हैं या फिर डायमंड्स की हैं और इधर जितना भी आप बना हुआ देख रहे हैं यहाँ पर आपको अबायास बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे सूट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे और मुझे एक्चुअली ब्लैक कलर में ना प्लेन में अबाया लेना था वो मैंने यहाँ से बाय करा और काफ़ी अच्छे रेट में मुझे यहाँ पर मिल गया था तो अब चलते हैं उस साइड जहाँ पर गोल्ड वगैरह और आप लोग को चीज़ें दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो चाहिए था वो मुझे यहाँ पर मिल गया और ज़्यादा मुझे शॉप्स पे जाना भी नहीं था मुझे एक ही शॉप पे जाना था क्योंकि मैं उस शॉप को इंस्टाग्राम पे देख चुकी थी और टिकटॉक पे भी देख चुकी थी तो मैं बस सीधे वहीं पे गई और मुझे जो लेना था डेली वेयर करने के लिए ना चेन लेनी थी और इयररिंग्स लेने थे तो वो चीज़ मुझे जैसे मैंने डिज़ाइन सोचा था वैसे ही डिज़ाइन और अच्छे प्राइस में मुझे यहाँ पर मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह तो वो मैंने यहाँ से बाय कर लिया है नेक्स्ट जो मैं व्लॉग डालूँगी उसमें मैं आप लोगों को पहनी भी नज़र आ जाऊँगी कि मैंने लिया क्या है गले में पहनने के लिए और कानों में पहनने के लिए तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि अब हम निकल रहे हैं घर के लिए तो मेरे इस व्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल